गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम डेली एट 7:30 PM एक ज्योमेट्री का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन भी काफी अच्छा है एंड अगेन मतलब इस क्वेश्चन के भी दो सोल्यूशन हैं अलग अलग, है ना, जैसे प्रीवियस ज्योमेट्री जेम्स में थे, है ना। तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इस क्वेश्चन को किया होगा उनसे थोड़ा सा इजिली हो गया होगा, बट यस डेफिनेटली थोड़ा 11th के ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगता है। बट यस देयर इज अनदर सॉल्यूशन जिसमें हम प्योर ज्योमेट्री को यूज करते हैं विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वो सॉल्यूशन अच्छा है, ठीक है। आई होप आपको मजा आएगा, तो लेट स्टार्ट द सेशन, है ना। एंड बिफोर स्टार्टिंग यार, IUQM के नोटिफिकेशन आई होप सबको पता होगा, 9th of January को आपका IUQM का एग्जाम है एंड 27th of February को INMO का एग्जाम है, राइट। नोटिफिकेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो प्लीज 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 रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस IUQM एग्जाम, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा एग्जाम होता है, जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जल्दी से इस बैच में रजिस्टर करो, ठीक है, मतलब सॉरी एग्जाम के लिए रजिस्टर करो। एंड उसकी प्रिपरेशन के लिए वी हैव स्टार्टेड अ बैच फ्रॉम 23rd of September, ठीक है, जिसमें यू कैन रजिस्टर एंड गेट अ डिस्काउंट बाय अप्लाइंग दिस कूपन, राइट। एंड इफ यू आर ऑलरेडी एन IUQM सर्टिफिकेट होल्डर, देन यू कैन मेल मी योर दीज डिटेल्स ऑन दिस ईमेल आईडी, राइट। आपको RMO या INMO के बैच में एनरोल कर लिया जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी लास्ट ईयर INMO लिख चुके हैं तो आपको INMO वाले बैच में एनरोल किया जाएगा, एल्स IUQM के बैच में, राइट, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर ओलंपियाड एग्जाम, या आप KVPY, NTSC या जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसमें PQR वाज अ ट्रायंगल, कुछ एंगल्स हमें गिवन है, ये वाला एंगल 3x है, एंगल RX है, एंगल PSQ 45 है एंड QS इक्वल टू SR, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो जैसा मैं प्रीवियस ज्योमेट्री जेम्स में आपके साथ डिस्कस करता आ रहा हूँ, जब भी कभी अगर हमें दो साइड्स सेम दी गई हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड टू ट्राइंगल्स जिसमें कोई एक साइड कॉमन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है PQS और PSR में, तो मतलब व्हाट आई कैन से, आई कैन राइट PS अपॉन QS, दैट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू PS अपॉन SR, बिकॉज QS वाज इक्वल टू SR। तो सिंपली इसमें साइन रूल लगाओ, ठीक है। तो PS के सामने वाला एंगल 3x है, तो साइन ऑफ 3x, QS के सामने वाला एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस 3x प्लस 45, तो आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ 180 माइनस 3x प्लस 45, That is equal to PS के सामने वाला एंगल इज साइन एक्स एंड दिस एंगल, देखो ये वाला एंगल 45 डिग्री है ना, तो दिस इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट, तो दिस शुड बी 45 माइनस एक्स, तो SR के सामने बनेगा साइन ऑफ 45 माइनस एक्स। एंड वी नो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, हमें ये पता है, 11th का ट्रिग्नोमेट्री जिनको आता है उनको पता होगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, ठीक है। तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट, वी विल गेट साइन 3x टाइम्स साइन 45 डिग्री माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो दैट विल बी साइन 3x प्लस 45 डिग्री, राइट। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पता होगा 2 साइन ए साइन बी का एक फॉर्मूला होता था, ना, दैट विल बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, that is nothing but cos of 4x minus 45, cos of a minus b, है ना, minus cos of a plus b, so that will be cos of 2x plus 45, that is equals to, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 sin a sin b फिर से हम लगाएंगे, तो that will be cos of a minus b, so that will be nothing but 2x plus 45, है ना, हाँ 2x plus 45, because cos के अंदर plus हो या minus हो cos को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, minus cos of a plus b, so that will be cos of 4x plus 45, ठीक है, थोड़ा सा calculative है। अब यहाँ पर cos of 4x plus 45 को आप left hand side पर ले आओ, so this becomes cos of 4x minus 45 plus cos of 4x plus 45, and that is nothing but twice of cos of 2x plus 45. अब लेफ्ट हैंड साइड पर देयर इज अ फार्मूला cos of a minus b plus cos of a plus b, तो दैट इज नथिंग बट 2 cos a cos b, है ना, तो दैट विल बी 2 cos 4x into cos 45. एंड ऑन द राइट हैंड साइड
let's just expand the formula of cos of a plus b. So that will be cos 2x cos 45 minus sin 2x sin 45. Since cos 45 and sin 45, they all are same value, so they can get cancelled out. This 2 will get cancelled out with this 2. Finally, what we are left with, this minus sin 2x, so let's take on the right hand side. Okay, let me write it with blue se likhta hu abhi further taki aap logon ko samajh mein aa jaye. Sin 2x ko hum left hand side par le aate hain, sin 2x that is equals to cos 4x ko hum right hand side par le jaate hain. To ek cos 2x already tha yahan par, hai na, this will become cos 2x minus cos 4x. Theek hai, so sin 2x 2 sin x cos x and cos c minus cos d is nothing but 2 sin d minus c by 2. So 4x minus 2x by 2, that will be x multiplied by sin c plus d by 2. Okay, so that will be sin 3x. This 2 will get cancelled out with this 2. This sin will get cancelled out with this sin. Cos x we can write it as sin 90 minus x, that is equals to sin 3x. So practically 90 minus x should be equals to 3x. That further implies 4x is 90, and that implies our x is nothing but 22.5 degrees. ठीक है, so this is one of the solution. अब यार इस solution में obviously मतलब आप देख सकते हो question geometry का था, geometry का कुछ लगा ही नहीं, pure trigonometry लगी है. ठीक है, तो काफी सारे बच्चों में ना इस type के solution में मजा भी नहीं आता. But obviously as far as IUQM is concerned, ठीक है, IUQM में तो हमें obviously सिर्फ answer निकालना है ना, तो answer निकालने के लिए sine rule is perfect. ये काफी छोटा solution होता है. ठीक है, अब लेट्स लुक इनटू वन मोर सॉल्यूशन जिसमें हम प्योर ज्योमेट्री यूज करेंगे. ठीक है, वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है, उसमें थोड़ी बहुत ही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, देखते हैं उसको. ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट था ना, लेट्स अज्यूम दिस एंगल टू बी हाउ मच, इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं. ठीक है, तो पहले तो ये 45 डिग्री का एंगल था. ओके, लेट मी अगेन राइट इट विद रेड. ये 45 था, तो आई कैन से theta plus x sum of two interior opposite that should be equal to 45 and ye wala angle obviously 135 hoga. So alpha plus 3x that should be how much, 135 degree, this is 5. theek hai, to ab agar main theta aur alpha mein relation nikalna chahu, let's multiply this first equation by 3. So I'll get 3 theta plus 3x that is equal to 135. तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो एक चीज यहां से ये समझ में आ जाती है, तो ये जो अल्फा है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3 थीटा. तो अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं तो ये वाला एंगल इसका थ्राइस है, तो दिस इज 3 थीटा. ठीक है, चलो, तो एक चीज तो अभी आपको ये ध्यान रखना है. अब हम कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, क्योंकि ये वाला एंगल एक्स था, तो मैं एक यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की सच दैट ये वाला एंगल एक्स हो जाए. ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम. ठीक, नाउ अब अगर आप ध्यान से देखोगे क्यू एम आर ट्रायंगल के बारे में, दिस क्यू एम आर इन ट्रायंगल के बारे में, दिस इज क्लियरली आइसोसेलस ट्रायंगल और क्यू एस इक्वल टू एस आर भी दिया हुआ है. ठीक है, क्यू एस इक्वल टू एस आर, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू एम आर एंगल एम क्यू एस दैट इज इक्वल टू एंगल एम R S that is actually X, और हमें QS equals to SR दिया ही हुआ था, और SM equal to SM है ये. Point ये कि अब ये congruent triangle है, that means simply मतलब वो obvious सा भी था. तो this implies actually angle QSM ये 90 degree होगा, QSM. ठीक है, तो ये वाला भी 90 हो गया, ये पूरा 90 है और ये हमें 45 given है, तो this should be 45. I don't think इसमें किसी को कुछ भी confusion है. तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आ गया कि ये जो PS है, PS is angle bisector. ठीक है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, P पॉइंट से QM पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. लेट्स से ये पॉइंट मिला हमें T पॉइंट पे. ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अच्छा ये वाला एंगल X मैंने ड्रॉ किया था मेरी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये वाला एंगल शुड बी 2x. ये वाला एंगल अगर मैं क्यू एम एस ट्राइंगल की बात करूं, क्यू एम आर ट्राइंगल की बात करूं, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है जो सम ऑफ टू इंटीरियर यानी x प्लस x यानी कि 2x के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ये बात भी समझ में आनी चाहिए.
तो इसका मतलब अगर मैं अब ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल पी क्यू एम की, सेम लॉजिक से पी क्यू एम भी बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमने पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट से दिस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, लेट से दिस पॉइंट इज एन, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अब ये दोनों पी एन क्यू और पी एन एम दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेंगे, एंड हेंस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये पूरा एंगल कितना था, अल्फा, दैट इज इक्वल टू 3 थीटा, पूरा एंगल 4 थीटा था, तो उसका आधा कितना होगा 2 थीटा। ये वाला एंगल हमारा इतना सा एंगल कितना था, ये था थीटा, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। समझ पा रहे हो, ये तो बड़ा सिंपल सा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पी एस जो है, पी एस इज एंगल बाइसेक्टर, फिर से एंगल लिख देता हूं, चलो मैं यहां पर था ऑफ एंगल एम एस टी और यहां पर है एंगल टी पी एम, तो एंगल टी पी एम का भी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल पी एस इसका एंगल टी एस एम का भी है। तो यहां से अगर आपको समझ में आएगा ट्राइंगल पी टी एस, पी टी एस ये वाली, दैट विल एक्चुअली बी कॉन्ग्रुएंट विद पी एम एस। क्यों भाई, देखो ना, दो एंगल्स इक्वल है, थीटा थीटा, 45 45, और पी एस कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल साइड एंगल की वजह से बोथ ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो इससे क्या मिला हमें, इससे हमें दो चीजें मिली, एक तो जो टी एस है दैट विल बी इक्वल टू टी एम, सॉरी एस एम, टी एस विल बी इक्वल टू एस एम, एक चीज तो ये मिली। दूसरा मुझे मिला पी टी इज इक्वल टू पी एम, पी टी जो है वो पी एम के इक्वल होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई और ये वाला एंगल टी एस इक्वल टू एस एम, टी एस अगर एस एम के इक्वल है, ये पूरा एंगल 90 था तो ये भी 45, ये इतना सा भी 45, ठीक है, ये दोनों एंगल्स 45 हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ये चीज, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब अगर मैं बात करता हूं इस ट्राइंगल की, लेट से क्यू पी टी ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल एम पी टी, ठीक है, ये वाला एंगल 2x, ये वाला एंगल 2x, तो क्या QP इक्वल टू PM होगा, QP इक्वल टू PM दिखना चाहिए सबको, ठीक है, PT इक्वल टू PT, ये दोनों में कॉमन है ये, और एंगल QPT जो कि 2 थीटा था, दैट इज इक्वल टू एंगल MPT जो कि फिर से 2 थीटा है, तो दीज टू ट्राइंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया, अब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो QT है दैट शुड बी इक्वल टू MT, QT शुड बी इक्वल टू MT, तो ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा x, अब x प्लस x 2x जो दैट शुड बी इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल है ना, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल विच इज 45 डिग्री दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, 45 इक्वल टू 2x, तो x कितना आ गया 22.5 डिग्री, तो दिस इज वन ऑफ द ज्योमेट्री सॉल्यूशन। अब नाउ यू कैन सी कि भैया चैलेंजिंग सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत कुछ चीजें हमें इसमें करनी पड़ रही हैं, काफी तीन चार दो हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेट कर दी, तो इट इज नॉट एन इजी सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन था। एंड इनफैक्ट IUQM लेवल के हिसाब से अगर हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर ज्योमेट्री से करना हो तो आई डेफिनेटली रेट दिस क्वेश्चन ऑफ आई गेस मतलब 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स, एनीथिंग 5 मार्क्स में हल्का सा एवरेज काउंट करूंगा, 3 मार्क्स में हाँ इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन काउंट करूंगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पर 7:30 पर विद अ डिफरेंट विद अ न्यू ज्योमेट्री जेम, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।